हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। हो सकता है आज का वीडियो देखकर आपको अपने बचपन की याद आ जाए, अगर आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज मैं खाना पकाना करने वाली हूँ, जैसा बचपन में हम लोग करते थे वैसा ही। और उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, आलू काट लिए हैं, आटा भी थोड़ा सा गूंद लिया है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्पेशली खाना पकाना करने के लिए ही छोटा सा चूल्हा बनाया है मिट्टी का। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी पर वो डिलीट हो गई, इसलिए मैंने डाल नहीं पाई। इसमें मैंने छोटे छोटे कंडे लगा लिए हैं और थोड़ी सी लकड़ियाँ भी तोड़ ली हैं, जो मतलब इस चूल्हे में फिट आ जाए छोटी छोटी सी, उसी से आग जलाएंगे। फूंक फूंक के मेरा बुरा हाल हो गया है फ्रेंड्स, पर इसमें आग जली नहीं है क्योंकि ये चूल्हा बहुत ज़्यादा छोटा है, इसी वजह से इसके अंदर हवा नहीं जा रही है, तभी आग ही नहीं जल रही। चलिए दूसरा चूल्हा लगाते हैं। मैंने वो वाला चूल्हा तो हटा दिया है, अब दूसरा ईंटों का चूल्हा लेके आती हूँ, वही लगाएंगे यहाँ पर। इस चूल्हे में तो आग जलनी ही चाहिए, क्योंकि जब पहले हम लोग बनाते थे खाना तो ऐसे ही चूल्हा बना लेते थे ईंटों का, क्योंकि बच्चों के पास कोई चूल्हा तो होता नहीं है, इसीलिए वो ईंटें उठा के ऐसे ही खाना बनाने लगते हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते थे। चलो, इस वाले चूल्हे में तो सही आग जल रही है क्योंकि इसमें हवा आ रही है चारों तरफ से, इसी वजह से आग सही जल रही है। मैंने कटोरी में थोड़ा तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें जीरा डाल देंगे। अब इसमें मैंने प्याज भी डाल दी है और प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें आलू डाल देंगे। ये वही वाले आलू हैं जो छोटे छोटे मैंने काटे हैं, ताकि ये अच्छे से छोटी कटोरी में भी गल जाएं, इसी वजह से छोटे छोटे से काटे हैं। आलू तो पक गए हैं, अब इन्हें हटा लेते हैं। इसी कटोरी में पूड़ी भी बनानी है, पूड़ी भी इसी कटोरी में बना लूंगी क्योंकि एक ही कटोरी जलेगी ऐसे। अब मैं छोटी छोटी सी पूड़ी बनाऊंगी, हाथों से ही पूड़ी बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी छोटी पूड़ी बनती है तो वो बेली नहीं जा सकती, इसीलिए मैं तो हाथों से ही ऐसे बना लेती हूँ छोटी कटोरी के लिए छोटी छोटी पूड़ी। फ्रेंड्स, पहले हम लोग बहुत हरा पकाना खेला करते थे जब छोटे छोटे थे, तब सारे बच्चे हमारे यहाँ के थे, आस पड़ोस के सारे बच्चे मिलकर हम लोग सभी लोग खाना पकाना ही खेला करते थे। आजकल तो बच्चे ज़्यादा खेलते ही नहीं हैं। कोई बच्चा अपने घर से आलू लेके आता था, कोई आटा लेकर आता था, कोई तेल लेकर आता था, ऐसे ही हर एक चीज़ एक एक बच्चा लेकर आता था और फिर सभी लोग मिलके खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। और घर वाले डांटते भी बहुत थे ले जाने के लिए, इसे चुपे चुपे से लेके जाते थे सब चीज़ें। ऐसे ही करके जल्दी से छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा ख़त्म हो गया और सारी पूड़ियाँ बना ली हैं मैंने। पूड़ी बनाते बनाते चूल्हे की आग भी खो गई थी, इसीलिए अभी इसे फिर से जला लेती हूँ। तेल गर्म हो गया है, अब एक एक करके सारी पूड़ी तल लेंगे। चूल्हे में बार बार आग बुझ जाती है, इसीलिए इसे बार बार फूंक फूंक के जलाना पड़ता है और धुआं भी बहुत तेज लग रहा है। इस चूल्हे में आग जलाने के लिए ढेर सारी लकड़ियां चाहिए होती हैं, तो जल्दी से मैं थोड़ी और लकड़ी लेके आती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, आलू पूरी तैयार हो गया है और बहुत टेस्टी भी लग रहा है देखने में। अगर आपको आज का वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।